चौथवीं राज्य स्तरीय बास्केटबॉल पुरुष और महिला चैंपियनशिप 2024 का सोमवार शाम को समारोह पूर्वक आगाज हुआ। पूर्व सांसद और फुटबॉल संघ के अध्यक्ष कर्नल मानवेंद्र सिंह रावत त्रिभुवन सिंह, भाजपा जिलाध्यक्ष दिलीप पालीवाल, भाजपा पूर्व जिलाध्यक्ष स्वरूप सिंह खारा एवं कांग्रेस नेता अजय सिंह राठौड़ समेत कई गणमान्य अतिथियों ने कार्यक्रम में शिरकत की। शहर के हाईस्कूल मैदान में अतिथियों ने इस प्रतियोगिता का विधिवत रूप से शुभारंभ किया। 7 नवंबर तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में 50 टीमें भाग ले रही हैं, जिसमें पुरुष वर्ग की 30 टीमें और महिला वर्ग की 20 टीमों के 600 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। उद्घाटन समारोह के दौरान पूर्व सांसद व फुटबॉल संघ के अध्यक्ष कर्नल मानवेंद्र सिंह ने कहा कि किसी भी प्रतियोगिता के सफल आयोजन के पीछे उनमें कार्य करने वाले स्वयंसेवकों की टीम व भामाशाहों का सहयोग होता है। इन दोनों के बिना किसी भी प्रतियोगिता का सफलतापूर्वक आयोजन संभव नहीं है। बाड़मेर में बास्केटबॉल के खिलाड़ी इंटरनेशनल स्तर पर पहुंच रहे हैं, जिसके लिए बास्केटबॉल की स्टेट टीम धन्यवाद की पात्र है, जो बाड़मेर की प्रतिभाओं को आगे बढ़ने के अवसर प्रदान कर रही है। आप सुहर्द है कि आप माला पहनार स्वागत कराओ और कल्याण सिंह की चोली आप मोमेंटो भेंट कराओ। आप पधारो और माल्या अर्पण कर जिला अध्यक्ष साहब रो बाड़मेरी इन मारधरारा खिलाड़ी भी अपर बीच आपरे खेल हुनर रो प्रदर्शन करेला और आप 3 दिन लग और लगातार खेल प्रतिभाओं रे एक जुनून रो राजस्थान बास्केटबॉल संघ के प्रदेश अध्यक्ष अजीत सिंह राठौड़ ने टीम इवेंट में बास्केटबॉल खेल में राजस्थान की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए समस्त संभागियों को अपने उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन की शुभकामनाएं दी। उन्होंने खिलाड़ियों को खेल में पूर्ण निष्ठा के साथ खेलने की बात करते हुए कहा कि जो खेलेगा वही खेलेगा।